नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कानपुर देहात में स्वाट टीम और थाना अकबरपुर पुलिस टीम की तरफ से लूट की घटनाओं का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया गया, जिसमें पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 79,000 रुपये और 2 अवैध तमंचा, 315 बोर और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भी भेज दिया है। देखिए, जैसा कि हम पहले भी दोहराते रहे हैं कि शासन की उच्च प्राथमिकता है अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। उसी कड़ी में हम लोग महाशिवरात्रि के पावन पर्व की व्यवस्था में व्यस्त थे। जब ये सूचना हमको प्राप्त हुई कल लगभग मध्य रात्रि के थोड़े बाद 1:15 बजे के आसपास कि कुछ लड़के हैं, हमको बताया गया 4 लड़के हैं जो कि एक वाहन में सवार होकर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो पहली तो सूचना है लूट की थाना भवनीपुर से आई, और उसके बाद तीसरी सूचना लगभग 1 घंटे बाद अकबरपुर टोल प्लाजा के पहले थाना अकबरपुर से आई। हमारे को वैसी जानकारी हुई, सबसे पहले हमने अपनी स्ट्राइक टीम्स जिसमें सुजी प्रमुख रूप से CO अकबरपुर, CO भवनीपुर, एडिशनल SP महोदय को फोन द्वारा निर्देशित किया कि इनकी सबकी नाकेबंदी कर दी जाए ताकि ये और कोई घटना कारित करने में ये लोग सफल ना हो पाए, और साथ ही साथ मौके पर इनको हर संभव बल प्रयोग करके इनको पकड़ लिया जाए। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर लूट के सामान के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं।